चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के जो अक्सर कर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये बंगाल में ही युद्ध हुआ था और ये अंग्रेजों और सिराज दौला के बीच में वही उस समय का नवाब, और ये युद्ध हुआ था 1757 में, और इसी युद्ध की सफलता के बाद अंग्रेज भारत में जम गए, प्रवेश कर गए। प्रवेश तो पहले ही कर लिया लेकिन राजनैतिक शक्तियां भी उन्होंने प्राप्त कर ली, और इसके ठीक 100 साल बाद 1857 की क्रांति हुई थी, पहली क्रांति। एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? तो अंग्रेजी थे सर विलियम जोन्स, इनके बारे में खास बताएंगे बाद में। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश, सबसे ज़्यादा कॉफी किस देश में पैदा होती है? तो ब्राज़ील, ब्राज़ील देश जो है उसमें विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा होती है। हमारे भारत में कर्नाटक में कॉफ़ी पैदा होती है। सिल्वर किसके कारण काला हो जाता? आपने देखा होगा घरों में हम लोगों के पास चांदी के गहने होते, तोड़ियाँ होती हैं, अक्सर का शिकायत रहती काली पड़ गई। तो चांदी किसके कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण काला हो जाता है चांदी। कौन सा राष्ट्रीय पत्रिका भारतीय भाषा में पहली बार प्रकाशित हुई थी? देखिए राष्ट्रीय जो पत्रिकाएं थी वो अंग्रेजी भाषा में ज़्यादातर प्रकाशित होती थी उस समय, लेकिन बंगाल गजट सबसे पहले भारतीय भाषा में प्रकाशित हुई थी। चलिए किस देश के पास अपने परमाणु हथियार नहीं है? बहुत ही रोचक प्रश्न। परमाणु हथियार समझते हैं एटम बम। हाँ, जापान के ऊपर बम गिराया गया था नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी द्वितीय विश्व युद्ध में। एटम बम जो है किस देश के पास नहीं? तो जापान के पास ही नहीं है, लेकिन जापान को कायदे में एटम बम की तैयारी कर लेनी चाहिए, तो उसके ऊपर तो गिराया गया था, लेकिन जापान के पास एटम बम नहीं है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो क्या है आप सभी को मालूम? इसरो ये हमारा जो इंडियन सैटेलाइट है उसका ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। इसरो भारत में जहाँ से ये रॉकेट वगैरह प्रक्षेपित किए जाते हैं, अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, तो इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई उनकी पत्नी मृणालिनी साराभाई, उनकी किताब है कहानियों की बहुत अच्छी, वो भी कभी सुनाएंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज नाम सुना? ज्योग्राफी में भूगोल में कई बार बताया स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के अंदर जो सड़क कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर भारत के पूर्वी बॉर्डर तक जो सड़क निर्माण हुआ ये चतुर्भुज, इसी को हम लोग कहते हैं स्वर्णिम राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? यानी कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख अध्यक्ष तो अलग होते थल सेना के, जल सेना, वायु सेना के, लेकिन इनका तीनों का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता। कौन होता? सेना का अध्यक्ष, सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अर्थशास्त्र के जनक किन्हें माना जाता? अर्थशास्त्र समझते हो क्या होता है? जैसे विषय होते हैं समाजशास्त्र, इतिहास, हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी, ऐसे एक विषय होता है अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत हम बाजार का और धन के बारे में अध्ययन करते, किसी वस्तु की कीमत कब घटती है कब बढ़ती है ये सब अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। और इसके जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ भारत के किसी अर्थशास्त्री का नाम बताओ? अर्थशास्त्र एक पुस्तक भी लिखी गई थी कौटिल्य ने, किसने? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का ग्रंथ लिखा था। खैर ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब जो है आप लोग